तो दोस्तों आज हम लोग जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं उसका नाम है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। कंपनी एक सरकारी कंपनी है और जैसा आप देख पा रहे हैं एक रेंज का काफी दिनों से ब्रेकआउट नहीं हो पा रहा था। लगभग 2 से 3 साल यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ और उसके बाद अब यहाँ पर बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है और इस ब्रेकआउट के साथ ये स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई पर पहुंच चुका है। और सबसे अच्छी बात है कि ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर एक रेड कैंडल बना है, यानी कि प्राइस एक्शन हो रहा है और उसके बाद फिर से क्लियर ब्रेकआउट हुआ है। तो दोस्तों ये स्टॉक यहाँ से कमाल कर सकता है। तो इसके टारगेट के एनालिसिस जानने से पहले एक बार हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो दोस्तों कंपनी का नाम है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, 470 रुपए मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में लगभग 9% तक तेज था। मार्केट कैप 1,98,701 करोड़ का है। स्टॉक P25 का है। ROC बहुत ही बेहतरीन 46% एंड ROE तो और भी अच्छा है 55% का। पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 285 का इसने लो लगाया था और 470 का इसका हाई था। आपको दोस्तों कंपनी बारे में बता दूं तो ये कंपनी 1966 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट जिंक एंड सिल्वर प्रोड्यूस करने वाली कंपनी है और थर्ड लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर है। इस कंपनी के पास 75% से भी ज्यादा का मार्केट शेयर है इन ग्रोइंग जिंक मार्केट इन इंडिया और इसका जो हेडक्वार्टर है वो उदयपुर में है। तो दोस्तों आप पिछले एक साल का इसका चार्ट देखिए, स्टॉक एक रेंज में चल रहा था, बहुत धीरे से चलता जा रहा था, लेकिन यहाँ पर एक ब्रेकआउट आता है और उसके बाद ये बहुत तेजी से ऊपर निकल जाता है। इसके अगर हम पीयर कंपैरिजन की बात करते हैं तो इसमें आपका हिंदुस्तान जिंक है ही, हिंदुस्तान कॉपर हुआ, ग्रेविटा इंडिया, दिवालिक बायोमेटल, प्रीसियस वायर्स, राम रत्न वायर्स, पॉन्डी ऑक्साइड्स जैसे और भी छोटी बड़ी कंपनियां इस सेक्टर में काम करती हैं। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करूं तो इसमें जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2021 में 6,947 करोड़ था, मार्च 2022 में 8,797 करोड़, मार्च 2023 में 8,509 करोड़ और मार्च 2024 में 7,550 करोड़ का था। नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां 2,481 करोड़ का प्रॉफिट था मार्च 2021 में, मार्च 2022 में 2,929 करोड़, मार्च 2023 में 2,589 करोड़ और मार्च 2024 में 2,042 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखा गया। साथ ही अगर हम इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2013 में 12,700 करोड़ का था, मार्च 2016 में 14,181 करोड़, मार्च 2019 में 21,118 करोड़, मार्च 2022 में 29,440 करोड़ और मार्च 2024 तक 28,934 करोड़ का था। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 6,899 करोड़ का था, मार्च 2016 में 8,175 करोड़, मार्च 2019 में 7,956 करोड़, मार्च 2022 में 9,630 करोड़ और मार्च 2024 में 7,787 करोड़ का था। तो देखा जाए तो इसके सेल्स ग्रोथ एंड नेट प्रॉफिट में भी लगातार ग्रोथ बढ़ता जा रहा है। इसके CAGR की बात करें तो पिछले 10 सालों में 14% की रेट से, पिछले 5 सालों में 11% की रेट से, पिछले 3 सालों में 17% की रेट से और पिछले 1 साल में 50% की रेट से रिटर्न दिया है। बारोइंग्स की बात करें तो मई 2016 तक कंपनी के ऊपर कोई भी उधार नहीं था। मार्च 2017 में इसने 7,908 करोड़ का लोन लिया जो कि करंट में अभी मार्च 2024 तक टोटल में 8,722 करोड़ और बचा है। तो देखा जाए तो इसमें लोन लेकर चुकाने का सिलसिला चलता रहता है, यानी कि आना जाना लगा रहता है और अभी जो टोटल लोन है वो 8,722 करोड़ का अभी भी है। बात अगर टोटल एसेट की करते हैं तो मार्च 2013 में 35,465 करोड़ का एसेट था, मार्च 2016 में 53,195 करोड़, मार्च 2019 में 42,458 करोड़ और अभी 33,904 करोड़ का एसेट है इसके पास। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें दोस्तों तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां जून 2021 में 64.92% थी, मार्च 2024 में 64.92% ही है, यानी कि प्रमोटर्स ने कोई भी पोजीशन में फेरबदल नहीं किया है। FIIs की बात करें तो 0.96% से 0.60% हो गए हैं, DIIs 2.63% से 2.98% हो गए हैं। इसमें सरकार का जो पोजीशन था वो 29.58% था जो कि 29.54% हुआ, यानी कि थोड़ा सा कम हुआ है और पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो 1.91% से 1.97% पे है। हिंदुस्तान जिंक के अगर हम मार्केट शेयर की बात करते हैं तो लेड सेगमेंट में इसका 88% का मार्केट शेयर है और जिंक सेगमेंट में 75% का। इसके रेवेन्यू की बात करें तो इसका जो प्रोडक्ट है वो जिंक लेड एंड अदर्स 78.2%, सिल्वर 18%, विंड एनर्जी 0.3% एंड 3.5% अदर्स। लोकेशन वाइज बात करें तो इंडिया से इसका 70% का बिजनेस आता है एंड एशिया स्पेसिफिक से 26% एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 3.1%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो जिंक लेड बिजनेस से 57% का प्रॉफिट आता है, सिल्वर वाले बिजनेस से 42% का। इसका जो कैपेक्स है वो 100% इंडिया में ही है। एसेट ब्रेकअप करें तो इंडिया में इसका सारा का सारा एसेट है और एसेट का जो पार्ट है वो जिंक एंड लेड में 66.8% एंड 31.9% अदर्स। तो दोस्तों वापस हम लोग इस बार इसके चार्ट पर आ चुके हैं। आप देखेंगे इसमें बहुत ही लंबे समय से रेंज बना हुआ था जिस रेंज को ये क्रॉस नहीं कर पा रहा था, लेकिन जैसे इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ उसके बाद से इसने प्राइस एक्शन बनाते हुए एक अच्छी तेजी दी और अभी अपने लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है और साथ ही इसमें वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। तो दोस्तों इस स्टॉक को खरीदने से पहले एक बार खुद की भी एनालिसिस जरूर कर लेना और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख देना।